हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन के अंदर हम प्रोजेक्टाइल्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और प्रोजेक्टाइल विद एंगुलर प्रोजेक्शन जो है उसका हमने इक्वेशन ऑफ पाथ निकाल लिया था। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टे से, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट या ऑब्जेक्ट इन इन एयर, कि आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और ये ऑब्जेक्ट पहले वर्टिकल अपर डायरेक्शन के अंदर इन एयर के अंदर जाता है, वर्टिकल ऊपर की तरफ, फिर वर्टिकल डाउनवर्ड आना स्टार्ट कर देता है। तो एट द मैक्सिमम हाइट्स के ऊपर जब ऑब्जेक्ट जाता है तो उसकी वी वाई वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेलोसिटी को डिक्रीज कर देती है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। लेकिन वी एक्स जो होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, देयर विल बी नो चेंज। और जैसे जैसे डाउनवर्ड आएगा अगेन वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज, वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होगी, देयर इज नो चेंज इन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो ओ से लेकर एच पॉइंट तक का जितना टाइम ऑब्जेक्ट लेता है उसको हम बोलते हैं टी वन, टाइम ऑफ एशेंट, टाइम ऑफ एशेंट, ठीक है। और फिर जो डाउनवर्ड टाइम आता है टी टू, जिसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम का बढ़ना, टाइम का डिक्रीज होना। और टी वन और टी टू जो मिलकर हमारे पास बनेंगे टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे टोटल टाइम। जितना टाइम ऑब्जेक्ट ओ से एच का लेता है उतना ही टाइम एच से सी का टाइम टेकन होता है, टी वन इक्वल टू टी टू इक्वल टू टी के बराबर, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, टी इज इक्वल टू टू टी और टी इज इक्वल टू टी बाई टू, ठीक है। अगर हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ एशेंट अगर निकाल लेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट वी कैन कैलकुलेटेड। तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है, हमारे पास जो वर्टिकल वेलोसिटी है कि ऑब्जेक्ट ने यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, वो चीज़ें हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है वो कितना है, जीरो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, टाइम ऑफ लाइट, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो इक्वेशंस हमारे पास है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन अलोंग वाई एक्सिस यूज करते हैं, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई टी। वी वाई की वैल्यू जीरो, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू माइनस जी इंटू में टी टी बाई टू, ओके। तो माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस जी इंटू में टी बाई टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, टी इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई हो जाएगा टू यू साइन थीटा बाई में जी के इक्वल। टाइम ऑफ एसेंट की बात करते हैं तो हमारे पास टाइम ऑफ एसेंट कितना आएगा, ये जो t बाई टू है उसकी अगर वैल्यू हमारे पास यहाँ, सॉरी, बाई में जी, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट की बात करते हैं तो u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। ये टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट इसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है। आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज होने वाली टर्म्स हो गए हमारे पास, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ एसेंट कहलाता है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। मैक्सिमम हाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एच मैक्सिमम से, और जो ए एच को रिप्रेजेंट करता है, ए एच इक्वल टू एच मैक्सिमम। ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम जो डिस्टेंस हमारे पास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। और डायरेक्शंस क्या होगी हमारे पास, वर्टिकल डायरेक्शंस होगी, स्मॉल एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एच मैक्सिमम भी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो मैक्सिमम हाइट जो होगी हमारे पास वो किस डायरेक्शंस में है, वर्टिकल डायरेक्शंस में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो मोस्टली इक्वेशंस यूज करेंगे वो वर्टिकल इक्वेशंस यूज करेंगे, जिसमें यू वाई जो है वो कितना गिवन है, यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस जी, ओके। वी वाई कितना है, जीरो, वी वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो के इक्वल, ठीक है। वर्टिकल है तो वाई डिस्टेंस कितना होगा, वाई इज इक्वल टू एच लिख सकते हैं, एच मैक्सिमम। यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना लिया, टी वन इज इक्वल टू
यू साइन थीटा बाई जी के इक्वल। ये सारी चीजें हमने इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये टाइम इक्वेशन इसके अंदर राइट कर दी। तो यहां पे हमारे पास एक रिलेशन है, यूजिंग द रिलेशन जिससे हम चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या है, y इज इक्वल टू वाई नॉट यू वाई टी प्लस में हाफ ऑफ ए वाई टी स्केयर। ठीक है, सिंपल से इक्वेशन के विद रिस्पेक्ट टू y नॉट की वैल्यू जीरो, ओरिजिन से स्टार्ट करता है, y h मैक्सिमम प्लस में यू वाई यू साइन थीटा, t की वैल्यू u साइन थीटा बाई जी प्लस में हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस जी इंटू में टी स्केयर इसका स्केयर यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई में जी। ओके, इसको ऊपर लिखते हैं h मैक्सिमम। ठीक है, h मैक्सिमम जो पॉइंट होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो इसको जो पूरा डेरिवेशन हुआ है h मैक्सिमम। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या बनेगा, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाई जी, और यहाँ पे बना जी से जी कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, जी स्केयर एक जी कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन टू जी। तो ये वैल्यू वन, ये हाफ, तो फाइंड आउट होगा हमारे पास यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन टू जी, दैट इज एच मैक्सिमम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एच मैक्सिमम का, टाइम ऑफ फ्लाइट का। याद रखें टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई में जी, और एच इज इक्वल टू यू स्केयर साइन स्केयर थीटा अपॉन टू जी। ठीक है, तो दो चीजें हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, नाउ वी गो द थर्ड वन, नाउ थर्ड पार्ट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। फोर्थ वन, हॉरिजॉन्टल रेंज आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमारे पास यहाँ पे होगा कैलकुलेशन पार्ट के लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, डिस्टेंस, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कि ऑब्जेक्ट कहाँ से चला था और कितने देर के अंदर वहां पर पहुंच गया। ठीक है, वो पॉइंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टू यू साइन थीटा बाई जी, आपके पास गिवन है। ठीक है, तो ये यू स्केयर टू साइन थीटा कोस थीटा बाई में जी। ठीक है, और टू साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला बनेगा जिसको लिखते हैं साइन टू थीटा बाई में जी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर, आर इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां पे लिख देते हैं फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू यू स्केयर साइन टू थीटा बाई जी। कन्फ्यूज मत होना, फॉर्मूले जितने भी हमारे पास है, थोड़े थोड़े से फॉर्मूले हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब ऐसे दिखाई दे रहा है कि मिलते जुलते से फॉर्मूले यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब इसी पॉइंट के अंदर पूछा जाता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम पॉइंट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी। तो इस पार्ट के अंदर जो हमारे पास आर का फॉर्मूला है, यू, यू किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के लिए क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, जी की वैल्यू भी क्या होगी, कॉन्स्टेंट। तो मैक्सिमम पार्ट क्या बना हमारे पास, साइन टू थीटा इज मैक्सिमम। अगर साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी क्या होगी, मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन। ठीक है, तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू वन इक्वल टू साइन 90, कितने एंगल के ऊपर होगी,
90 डिग्री के ऊपर। दोनों को कंपेयर करते हैं तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 90 बाई 2, वी गेट 45। तो थीटा इज 45 डिग्री। ओके, थीटा 45 डिग्री होगा। जब हम थीटा 45 होगा तो साइन 90 की वैल्यू, तो आर मैक्सिमम क्या होगा हमारे पास, आर मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, आर मैक्सिमम इज यू स्क्वायर बाई जी के इक्वल। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के अंदर एक पार्ट आता है कि टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच सेम हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब ऐसे कोई जो एंगल्स हो हमारे पास जिसमें हॉरिजॉन्टल रेंज सेम हो जाए तो वो एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या लिखा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब एंगल्स की बात कर रहे हैं, ऐसे दो एंगल्स है जिसके अंदर हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज सेम हो, तो क्या कर सकते हैं इस पार्ट के लिए कि जो यू ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी से थ्रो किया, उसने एक एंगल फॉर्मेशन किया हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, और वर्टिकल के साथ उसने एंगल फॉर्मेशन किया 90 माइनस थीटा, वर्टिकल डायरेक्शंस के साथ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के साथ कितना एंगल है थीटा, वर्टिकल के साथ कितना है 90 माइनस थीटा। तो इसी से ही हम दो रेंज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के साथ अगर एंगल थीटा हो, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया हमने वर्टिकल अपर डायरेक्शंस के अंदर विद इनिशियल वेलोसिटी u, मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एंगल थीटा फॉर्मेशन होता है तो r1 क्या होगा, r1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई में जी। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा हमारे पास, 1। हमें एंगल फाइंड आउट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे पास एंगल्स क्या होगा, वो चीज़ें हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, दूसरा केस हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि जो हमारे पास एंगल थीटा एक हमने ले लिया और एक को ले लिया हमने दूसरा फिर 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर एंगल फॉर्मेशन है हमारे पास क्या है 90, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी मेक एन एंगल 90 माइनस थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो आर टू क्या होगा, आर टू इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाई में जी। ये इक्वेशन नंबर क्या बने हमारे पास, 2। ठीक है, तो दो एंगल से जहां पे हम फाइंड आउट करेंगे तो उस पार्ट के विद रिस्पेक्ट टू इक्वेशंस क्या बनेगी, 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बनेगा, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस में 2 थीटा, ठीक है, बाई में जी। हमें पता है कि 180 और 360 के ऊपर कोई चेंज नहीं होता, 90 और 270 के ऊपर चेंज होते हैं। ठीक है, 180 माइनस 2 थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर तो उसके राइट हैंड साइड सेम है, तो मतलब आर 1 इज इक्वल टू आर 2। ठीक है, दोनों एंगल्स की रेंज क्या होगी, सेम होगी, और वे एंगल कौन कौन से हैं जिसके ऊपर एंगल है हमारे पास, मतलब जो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आ रही है, एक क्या होगा थीटा, तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा। ऐसे दो एंगल्स की बात हम कर रहे हैं जिसमें दोनों सेम होगी, अगर एक 30 डिग्री ले ले तो दूसरा कितना होगा 60, अगर एक 45 लेते हैं तो दूसरा भी कितना होगा 45। ठीक है, ये 60 तो ये कितना होगा 30, ये 75 तो ये कितना होगा 15, ये 90 तो ये कितना होगा 0। ओके, तो ये रेंज हमारे पास आती है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम राइट कर सकते हैं 90 और 0। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स होते हैं जो पेयरिंग एंगल्स होंगे जहाँ पे मैक्सिमम पार्ट हमारे पास आते हैं। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे निकाल ली हैं जो एंगल फॉर्मेशन हमारे पास हुए,
ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप लोग याद रखें कि टी का, आर का और ये फॉर्मूले क्या होते हैं हमारे पास. इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, नाउ फर्दर प्रोसीड करते हैं इसी पार्ट के अंदर ही. ठीक है, अगर हम इसी पार्ट के अंदर एक छोटा सा और पार्ट कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम. ठीक है, वेलोसिटी एट एनी टाइम. वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर वेलोसिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे एक पी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, पी पॉइंट, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन विद ए वेलोसिटी फाइनल वी हैविंग टू रिजॉल्विंग कंपोनेंट, वन इज वी एक्स एंड वन इज वी वाई, और दिस फाइनल वेलोसिटी मेक एन एंगल बीटा विद द डायरेक्शंस ऑफ दिस. ठीक है, तो डायरेक्शंस हम निकाल सकते हैं, एंगल फॉर्मेशन निकाल सकते हैं इसी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू. तो हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो दो वेलोसिटी होंगी, पहले भी मैं बता चुका हूँ, यू कॉस थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा सेम होती है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ें इसके पार्ट के अंदर है. ठीक है, तो सिंपल सिंपल सा पार्ट, जैसे वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस में ए एक्स टी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यू एक्स गिवन है, यू एक्स कितना गिवन, यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा, और ए एक्स की वैल्यू कितनी, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो. टी मतलब एट एनी टाइम की बात करें तो वी एक्स किसके इक्वल होगा, वी एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा के इक्वल. ओके, इक्वेशन नंबर वन. सिमिलरली वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे तो यू वी वाई यू वाई प्लस में ए वाई टी. ठीक है, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, ए वाई की वैल्यू माइनस जी, तो वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी. तो ये दो इक्वेशन हमारे पास फॉर्मेशन होगी. अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर, तो ये पी, इसको क्यू और इसको एस लिख दे तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन होगी हमारे पास, इन ट्रायंगल पी एस क्यू. ठीक है, तो पी एस क्यू के अंदर ये एंगल 90 डिग्री है. ठीक है, तो जिसमें हमें हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर. ठीक है, पी क्यू को किससे रिप्रेजेंट किया, वी स्क्वायर से, ये पी एस जो है वी एक्स स्क्वायर और प्लस में वी वाई स्क्वायर. ठीक है, वी एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, वी वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, और वी और इस पूरे का अंडर रूट. ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं वी इज इक्वल टू अंडर रूट अंडर रूट. ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे यहां पे, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा यहां पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी. दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, यू स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो यू स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो कितना बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होगा, वन, तो यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर टू यू जी टी साइन थीटा. तो ये हमने फाइंड आउट कर दी वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर जो वेलोसिटी हमारे पास है वो ये वेलोसिटी आएगी. ठीक है, ये बात समझ में आई. अभी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस अगर हमें इसके अंदर ये निकालनी है कि डायरेक्शंस क्या होगी. ठीक है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमने क्या लिखा, बीटा मेक विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा निकालते हैं टेंजेंट बीटा. ठीक है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है, वी वाई, बेस क्या है, वी एक्स. वी वाई की वैल्यू कितनी है, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स की वैल्यू है यू कोस थीटा. तो अगर बीटा निकालना है तो बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स यू साइन थीटा
माइनस जी टी अपॉन यू कोस थीटा। तो ये बी की बीटा की वैल्यू होगी मेरे पास, जो डायरेक्शंस को भी इंडिकेट करती है। ठीक है, आगे चल के बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन इससे आने वाले हैं कि हमारे पास एंगल जो फॉर्मेशन होगा वह डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स किस प्रकार से होंगे। तो आज के इस पार्ट के अंदर हमने क्या क्या फाइंड आउट किया, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर हमने मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, और फोर्थ पार्ट वेलोसिटी एट एनी टाइम। ऑल थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पेपर के अंदर डायरेक्ट पूछे जाने वाला 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, कि एंगुलर प्रोजेक्शंस क्या होता है एंड फाइंड द फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, कोई भी दो चीज़ें उसके अंदर पूछी जाती हैं विद इन न्यूमेरिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।